के बाद हम लोग आ चुके हैं पाकिस्तान के साथ में, खुश आमदीद कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने व्लॉग्स बनाए, बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाए, लोगों को क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बताने की कोशिश की, मोटिवेट किया। कुछ लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, कुछ लोगों ने फायदा उठाया और कुछ लोगों ने लॉस, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होती है। तो जनाब हुआ कुछ यूं कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जब लोगों ने कुछ कंपनीज बनाई और वहीं पर जब लोगों ने फायदा हासिल करना शुरू किया तो वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी आ गए जो फ्रॉड करना शुरू हो गए। जनाब क्रिप्टो करेंसी की आड़ में पाकिस्तानियों से 18 अरब का फ्रॉड हुआ है। ये बड़ी एक अहम खबर है जो मैं आपको अपने शो के थ्रू दे रही हूँ। 18 अरब का फ्रॉड हुआ है, लेकिन ये कैसे हुआ, क्या एक शख्स ने दिया किया है, एक कंपनी ने किया है, किस तरह से ये फ्रॉड हुआ है, इस हवाले से यकीनन बात करेंगे। और अभी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की जो तजवीज़ है वो जेरे गौर है। क्या क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, क्या पाकिस्तान कोई अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहा है, क्या कोई इसमें भी काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। कितने फायदेमंद होती है अगर आपके अपने मुल्क में क्रिप्टो करेंसी मौजूद हो, और अगर आप नहीं चाह रहे, अगर आप बैन कर रहे हैं तो क्या, अगर बैन हो भी गई है पाकिस्तान में, उसके बावजूद क्या यहां पे लोग बाय नहीं कर रहे, क्या इस पर ट्रेड नहीं कर रहे, क्या इसे अर्निंग नहीं कर रहे अगर ये बैन भी है पाकिस्तान में तो जनाब इस हवाले से बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए डिजिटल करेंसी एक्सपर्ट साउद अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग साउद, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। आप खैरियत से? साउथ, इतना बड़ा लॉस हो गया और अभी तक आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए लॉस जो है वो लोग खुद करते हैं, एक चीज को इन्वेस्टिगेट की, किसी को पैसे दे देंगे, हाँ जी, तो उसको आपने क्रेडिबिलिटी नहीं चेक करनी उसकी, और आप ये नहीं देख रहे कि वो क्या कैसे आपको पैसे कमा के देंगे। हाँ जी, एक्चुअली आप के साथ ना फ्रॉड तब होता है जब आप रातों रात अमीर होने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो फ्रॉडी है ना वो हमेशा दो तरह की चीजों को टारगेट करते हैं बेसिकली इंसान की, एक होता है उसका लालच जी, दूसरा होता है उसको उसकी कम इल्मी। कम इल्मी, हम बेसिकली जब देखते हैं इस फ्रॉड के बारे में जो कि 18 अरब एफआईए कह रही है, 18 अरब से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो जो है वो इन्वेस्टमेंट्स जो की हुई थी वो उन्होंने कंप्लेंट्स ही नहीं की, क्योंकि रातों रात अमीर होने के जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हुए। और टारगेट भी ऐसे लोगों को कर रहे होते हैं वो लोग। अच्छा, जो बेसिकली आपको मैं एक दो कंपनीज का बताता हूँ जो इस फ्रॉड में शामिल थी, उन्होंने कैसे लोगों को टारगेट किया। अच्छा, एक कंपनी जो थी वो ऐसे टारगेट करती थी कि उन्होंने एप्स जो थी वो बनाई हुई थी आईफोन की भी और एंड्रॉयड की भी, जो एप्स जो है वो काबिल एतमाद नहीं ना होती, जो क्रेडिबल नहीं होती, वो स्टोर पे आपको ना गूगल अलाउ करता है ना यूएस का जो ऐप स्टोर है वो अलाउ करता है, ठीक है, तो वो ऑफलाइन जो है वो बांट रहे होते हैं लोगों को थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल्स, तो जो उनकी एप्स भी थी वो भी किसी स्टोर पे नहीं पड़ी थी। ये बड़ी अहम बात है कि हमने कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी है, कौन सी नहीं करनी। जो स्टोर पे एप्स मौजूद नहीं होती ना, उनका एक बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि उनपे चेक्स नहीं होते, वो भाग सकती है, उनका क्रेडिबल सोर्स क्या है। आप क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक कोई ऐप बनाते हैं उसको आप स्टोर पे रख के तो दिखाएं, उनके बड़े पैरामीटर्स हैं। तो ये जो फ्रॉड किया गया ये बड़ी सोची समझे तरीके के साथ। अच्छा, और बड़ा कैसे किया गया, मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हर 18 अरब रुपए एक अमाउंट है उसका एक फ्रॉड हो गया, कैसे हो गया? बड़ी मजे की स्टोरी है। जी जी, मैं आपको भी सुनाता हूँ और आपको बड़े मजा आएगा स्टोरी सुनने में। हाँ जी, और शायद जो है वो हमारे सुनने वाले जो देखने वाले लोग हैं वो भी इसको बड़ा इंटरेस्टिंग पाएंगे जी। एक कंपनी है वो उठती है, अब मैं आपको एक पूरा बताता हूँ कि कैसे हुआ सारा कुछ। एक कंपनी जो है उसने सोचा कि भाई क्रिप्टो करेंसी का आजकल काफी शोर है, हाँ जी, तो हम क्रिप्टो करेंसी को यूज करते हुए हम बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी इकट्ठी करें। अच्छा, लोगों को रिटर्न देंगे और बहुत सारे पैसे हमारे पास इकट्ठे। डबल शाह वाला सीन, डबल शाह वाला सीन, लेकिन डिजिटल में, डिजिटल करेंसी में। अब देखिए डबल शाह वाला सीन जब दूसरे पैसों में होता है, जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ उन पे नहीं हंस रहे हम, आपकी काबिलियत पे और आपकी कम अकली पे हंस रहे हैं कि अब डबल शाह जो है डिजिटल पे आ गए, हम कितने मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं। देखे जो फ्रॉडिये होते हैं ना वो एक कदम आगे ही होते हैं। अब देखे उन्होंने सोचा ये कि अभी क्रिप्टो करेंसी का बहुत, आपको पता है कि अभी पिछले साल से क्रिप्टो करेंसी हर बंदा कर रहा है, ये मैं ट्रेडिंग करूंगा, ये करूंगा, क्रिप्टो करेंसी से लोग पैसे कमा लें, लेकिन ये नहीं लोगों को पता कि पैसे कैसे कमा लिए जी। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा जी आप क्रिप्टो करेंसी खरीदें, क्रिप्टो करेंसी खरीद के आप हमें हमारे पास अकाउंट में आ जाएं, ठीक है। उन्होंने अपनी ऐप में लोगों के क्रिएट किए अकाउंट्स, ठीक है, जैसे एक ऑनलाइन बैंकिंग ऐप होती है उसमें उन्होंने बोला कि आपने ये अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना उसका हम रोजाना आपको 30 से 50% तक
आरओआई देंगे, ठीक है। अब इतना रिटर्न जब किसी को मिलेगा ये तो किसी कारोबार में नहीं मिल रहा। लोगों ने कहा यार देख लेते हैं थोड़े से पैसे लगा के, लोगों ने पैसे लगाने शुरू किए, ठीक है। पहला महीना गुजरा, लोगों को जबरदस्त इंटरेस्ट उन्होंने दिया, जबरदस्त रिटर्न्स दिए। कैसे कि वो उनको, क्योंकि उसका जो फ्लो था उनके पास पैसों का, क्रिप्टो करेंसी का, वो बहुत ज्यादा था। मेरे पास अगर मैं पैसे कमा रहा था, मैं 10 दोस्तों को बता रहा था, क्योंकि रेफरल सिस्टम था। नेटवर्क मार्केटिंग एक चीज है जो कि आमतौर पर प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इस्तेमाल होती है। ये MLM जो है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये पाकिस्तान में बैंड है SECP की तरफ से, ठीक है। इसको आप कर नहीं सकते अनाउंस करके, सही। तो ये अनअनाउंसड ही होता है कि मैंने आपको बताई, आपने आगे किसी दोस्त को बताई, माउथ टू माउथ लोगों, यानी कि बिल्कुल जी, पर्सन टू पर्सन जो है ना, ये चीजें ट्रांसफर होती रही। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, कोई कहीं पे सिस्टम नहीं चल रहा था। अच्छा, लोगों ने फॉर एग्जाम्पल किसी ने $500 इन्वेस्ट किए, ठीक है, एक दिन में उसके पैसे हो गए $600, अगले दिन उसके फायदा हो गया, अगले दिन उसके पैसे हो गए $710। जैसे जैसे उसकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो कैपिटल अमाउंट के अंदर उसके प्रॉफिट ऐड होता जा रहा था, तो उसके पैसे इनकम बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। अच्छा, ग्रेट। लोगों ने देखा यार ये तो मेरे पैसे एक हफ्ते में डबल हो रहे हैं। हाँ। देखे ना, $500 की आपने इन्वेस्टमेंट की है। हाँ। एक महीने, एक हफ्ते में आपका जो है वो $500 $1,000 हो गया। तो लोगों ने इसको ना बड़ा अट्रैक्टिव पाया कि यार कुछ भी नहीं है, मैं 5 मिनट के लिए ऐप खोलता हूँ, कुछ एड्स देखता हूँ। उसका थोड़ा सा प्रोसीजर बनाया हुआ था कि लोगों को एक, आप समझे कि लोगों की क्रेडिबिलिटी अपनी दिखाने के लिए ना, आरे लगाया हुआ था कि आप देखते हैं तो कि आप ऐप खोलेंगे, हर एड आप 5 सेकंड के लिए देखेंगे, फिर इसको बंद करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। वाओ, ग्रेट। तो वो लोग कमीशन समझते थे, लोग इस एक तरह समझते, हाँ यार मैं काम भी कर रहा हूँ, ये है भी हलाल तरीका। जो आपको पता है कि मौलवी टाइप जो लोग होते हैं वो कहते हैं यार मैंने इन्वेस्टमेंट की है, शरीयत क्या कहती है, ये वो। हाँ जी। अच्छा, अब क्या हुआ, उन्होंने जब एक बंदे ने किया, उसको पैसे आए, उसने विड्रा किया थोड़ा सा, यानी कि उसने सारे तो नहीं विड्रा करने थे, पैसे तो उनके पास है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐप बनाता हूँ, मैं कहता हूँ जी इरम आपके पास $1,000 है। हाँ, अगले दिन मैं ऐप के अंदर शो करवाता हूँ $1,100 आपके हो गए, वो है तो मेरे पास ही, आपको मैंने दिए नहीं है, बिल्कुल, सिर्फ ऐप के ऊपर मैंने शो करवाया है। हाँ जी। ये लोगों के साथ माइंड गेम की जाती है कि पैसे उनको उनकी जेब में नहीं पहुंचे, लेकिन उनके सिर्फ शो हो रहे हैं। तो ऐप के अंदर बैकएंड पे आपको एक सेकंड लगता है, आपने क्लिक करना है एक हजार को 1100 करने में, आप क्योंकि पैसे पे नहीं कर रहे होते। जब किसी ने विड्रा करना है ना, उसने 1100 ही नहीं विड्रा करना, उसने थोड़ी सी विड्रा करके $50 देखने के, यार ये पैसे देते हैं जी। लोगों ने $50-$60 थोड़े थोड़ी अमाउंट विड्रा करके देखी कि लोगों को पैसे मिल रहे हैं, उन्होंने कहा भी मिल रहे हैं। अब उनका ना ट्रस्ट डेवलप हुआ, लोगों ने बहुत जल्दी से, अब इसके अंदर उन्होंने फिर एक और स्कीम दी कि अगर आप 20 लोगों को अपने रेफरेंस से ऐड करवाते हैं ना, तो है। आपका जो अगर जिसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उसका 10% हो जाएगा डबल। अच्छा, मतलब फ्री राइड मिल रही है। अब देखें 100 बंदे अगर उनके मेंबर हैं, हर बंदे ने 20-20-20 ऐड किए, और उन 20 लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की, उन 20 लोगों ने भी उनको ऐप वालों को और क्रिप्टो करेंसी दे दी, उनके पास पैसे आते रहे। जो इतने सारे पैसे आ रहे थे उनमें से थोड़े थोड़े वो जो विड्रा करवाते थे लोग, वो उनको देते रहे। अब हुआ क्या, इन्होंने जल्दी भागना नहीं था, मार्केट में क्रैश आया एकदम से, बिटकॉइन जो था वो 67,000 से 40,000 पे गिर गया। जब मार्केट क्रैश हुई ना, तो ये एक्चुअली बैकएंड पे फ्यूचर्स में खेल के ना, तो ये भी पैसे साथ कमा रहे होते हैं। जाहिर बात है, जो लोगों से क्रिप्टो करेंसी दे रहे थे उसकी बैकएंड पे वो ट्रेड कर रहे होंगे, जो उनके पास एसेट्स जमा हो रहे थे लोगों के। जब वो उनके मार्केट गिरी, उन्होंने कहा यार ये हम ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो जितने लोगों के पैसे उनके पास जमा थे ना, उन्होंने अपनी एप्स बंद की और उनके पैसे गायब हो गए। अब किसी को नहीं पता था किसकी एप्स हैं, किसको पकड़ना है। लोगों ने अगले दिन ऐप्स खोली, जब सुबह उठ के तो उनकी ऐप बंद थी, ऐप ने काम ही नहीं किया, उनके बैलेंस 0-0 हो चुके थे। Oh my God. जो उनके व्हाट्सएप के सपोर्ट नंबर थे वो कुछ सिंगापुर के थे, कुछ अमेरिका के थे। लोगों ने जब उन पर कॉन्टेक्ट किया, उधर भी डिलीवर नहीं हुए मैसेज, तो लोग समझ गए कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। ये एक सिर्फ कंपनी के टाइप थी।
इसके अलावा कुछ कंपनीज ने कहा कि आप ट्रस्ट ट्रेडिंग आपको नहीं आती। अच्छा, ये मतलब कि एक शख्स या एक कंपनी नहीं करी थी, मुख्तलिफ कंपनियों ने मिलकर ये जी मल्टीपल फ्रॉड्स जो है वो पकड़े हैं एफआईएन ने, जो 2021 में हुए हैं। 2021 में, अभी 2022 में जो फ्रॉड हो रहे होंगे वो आपको अगले साल पता चलेंगे, क्योंकि फ्रॉडिया जो है वो काम तो नहीं रोकते ना। देखिए, जिसने इतने सारे पैसे कमाए हैं उसने कुछ ना कुछ नया भी सोचा होगा कि लोगों से और कैसे पैसे कमाने हैं। बिल्कुल ऐसा, तो ये माइंड गेम होती है। इसके अलावा एक और तरीके से ये फ्रॉड किया गया, 18 अरब कोई थोड़ी अमाउंट नहीं है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो करेंसी थी ये सारी डॉलर में थी, जो ट्रेडिंग होती है ना, ये इसमें यूएसडीटी जो था वो यूज किया जाता है। यूएसडीटी जो है वो ट्रेडिंग के लिए एक करेंसी है जो यूज की जाती है जी। वो डॉलर से थोड़ी सी स्लाइटली महंगी होती है जी। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल आप इरम इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो करेंसी में, हाँ जी ठीक है, आपको अब ट्रेडिंग नहीं आती, अब मेरे पास आती है, आप कहती हैं यार ये मुझे ट्रेडिंग तो नहीं आती, मैं आपको अब एक स्कीम बताता हूँ जी। मैं कहता हूँ अच्छा यार आपको ट्रेडिंग सीखने में तो टाइम लग जाएगा, फिर आप लॉस भी कर सकती है। देखे, क्योंकि जो अनारी होता है वो तो उसको नहीं पता कहाँ पे बाय करना है, कुछ कहाँ पे सेल करना है, तो जब आप सेल करेंगी हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। हाँ जी। तो आपको ना लगेगा कि यार हाँ बात तो इसकी ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता कि ट्रेडिंग कैसे होगी, तो फिर मैं आपको अगली बात बताऊंगा कि आप ऐसा करें, आप $5,000 की या $2,000 की इन्वेस्टमेंट करें, उसका आप बिटकॉइन खरीद लें या फिर एथेरियम खरीद लें, तो वो मुझे मेरे पास रखवा दें जी, आपको पर मंथ में उसका रिटर्न देता जाऊंगा। अब लोगों ने क्या किया, एक दो कंपनीज आई जिन्होंने एडवर्टाइज किया, वो भी पर्सन टू पर्सन इन्होंने एडवर्टाइज किया, ठीक है, क्योंकि ये चीजें लीगल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि आप अगर अपनी क्रिप्टो करेंसी रखवाते हैं ना तो हम आपको 10% पर मंथ इसका रिटर्न देंगे, ठीक है। अब लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीदी, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन खरीद के उनको दे दिए। अब ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो जिसके वॉलेट में है ना वो उसी की है। हाँ, ट्रू। आपके पास चेक्स नहीं होते कि आपने चेक दिया किसी को कि आप बाद में चेक ले जाकर थाने तो उसे कहें जी चेक बाउंस हो गया। हाँ, ट्रू, ना ट्रू। कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है कि फलां के अकाउंट टाइटल में जो है वो आपके पैसे ट्रांसफर हुए हैं, आपके पास कोई ट्रेसेस इसके नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने एक अननोन कंपनी में डिपॉजिट करवा के एक दो महीने एंजॉय किया कि यार रिटर्न आ रहा है, रिटर्न्स मिलते रहे उनको। हाँ जी, अब ठीक है, जो भी सारी ऐसी कंपनीज होती है ना उसमें रेफरल सिस्टम बड़ा मजे का होता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। आप पैसे कमा रही हैं तो जाहिर बात है जिनसे आप सिंसेयर होगी तो आप कहेंगे कि यार मैं पैसे कमा रही हूँ तो मेरे दोस्त भी पैसे कमाए, मेरे रिश्तेदार भी पैसे कमाए, तो लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताते हैं कि यार अच्छी जगह है, अच्छी चीज है, पैसे वापस भी मिल रहे हैं, क्रेडिबल है, 6 महीने से मैं कर रहा हूँ, 6 महीने से पैसे दे रहे हैं, अगर भागना होता तो भाग जाते। हाँ, बिल्कुल, आप भी इन्वेस्ट कर ले। हाँ। तो वो तो 6 महीने तो उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, तो 7वां महीना देखते हैं ना कि क्या होता है। उन्होंने 5-6 महीने काम किया तो वो भी अक्टूबर नवंबर में लोगों ने ऐप्स अपनी खोली कि यार रिटर्न आ गया होगा, तो वो भी भाग चुके थे। अब चीज ये होती है कि जब तक एक कैश का इनफ्लो ज्यादा हो और आउटफ्लो कम हो तब तक कंपनी नहीं भागती है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इनकम ज्यादा आ रही है, मेरे पास नए मेंबर्स ज्यादा साइन अप हो रहे हैं, विड्रॉल्स कम है। जब ये फ्लो जो है वो विड्रॉल्स का बढ़ जाता है और डिपॉजिट का कम हो जाता है ना, तो तब वो माइंड मेक अपना करते हैं कि यार हमने कहां से इनको डिपॉजिट करना है। हाँ, क्योंकि वो आपके ही लिए हुए पैसों से आपको पैसे दे रहे होते हैं, बैक एंड पे कुछ नहीं हो रहा होता। बिल्कुल ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान में ये खवातीन का टिपिकल सिस्टम नहीं है, ये कमेटी का सिस्टम। हाँ, बड़ा अच्छा और कामयाब सिस्टम है। बिल्कुल, जैसे वो कमेटी जिसके पास डाल रहे होते हैं अगर वही भाग जाए हाँ तो कहां गई, फिर सारी कमेटियां गई ना। तो ये समझे कि कमेटी सिस्टम टाइप चीजें थी। हाँ। जो कि क्रिप्टो करेंसी में एक अननोन बंदे के पास आप डिपॉजिट करवा रहे थे अपने एसेट्स और फिर वो वैनिश हो गए, ठीक है, और वो भाग गए। हाँ, ये सही है। नहीं ऐसा, अभी क्रिप्टो करेंसी पे पाबंदी की जो तजवीज है जेर गौर है, क्या समझते हैं आप कि क्या वाकई ही इसको मुकम्मल तौर पे इसको बैन कर देना चाहिए, या पाकिस्तान भी कोई अपनी क्रिप्टो करेंसी पे काम करे, कोई अपनी क्रिप्टो करेंसी ले आए? देखे, कोई भी आईटी से रिलेटेड बंदा जो समझदार है वो कभी नहीं कहेगा कि इस पे बैन होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए। आप हमारे हमसाया मुल्क भारत को देखें। हाँ, इंडिया के अंदर उन्होंने उसको बिल्कुल रेगुलेट किया है, उसके लिए कानून बनाए हैं, और रिसेंटली उन्होंने 30% उस पर टैक्स डाल दिया है कि आप अगर 1,00,000 रुपया प्रॉफिट कमाते हैं क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग से। हाँ जी। तो 30,000 आप गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तो पैसे कमा सकती है। लीगलाइज करें, रेगुलेट करें। अब एक्चुअली मसला ये है कि हमारे पास जो बड़े अदारे हैं उनके अंदर एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं उनको इलम ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसको कैसे लेके चलना है, उसके क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए। हाँ, सारी दुनिया के अंदर सिस्टम चल रहा है। अब देखें, चाइना
और अमेरिका के अंदर एक टसल चल रही है क्रिप्टो करेंसी को लेके। ये दोनों के अंदर जो बड़ी पावर्स हैं उनमें खींचातानी चल रही है। और इंडिया अपनी इकोनॉमी का आप उनका नया बजट देखें, आप उनका बजट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे इंडिया जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर कितना काम कर रहा है। बिल्कुल। तो हमने अगर कम्पीट करना होता है ना किसी के साथ तो हम देखते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क क्या कर रहा है। देखें हम तो वैसे इंडिया के साथ, तो आप इंडिया की तरफ देखें की तरफ देखें कि वो क्या कर रहा है। आप पाबंदी लगा दें, कभी बात करते हैं कभी जी पता चलता है FIA ने छापा मारा, ये हो गया वो हो गया, और भाई उसको रेगुलेट करें क्योंकि आप रोक नहीं सकते। कोई अपने मोबाइल फोन में क्या कर रहा है आप कैसे पता चलेगा आपको? बिल्कुल, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सऊद, आपने बहुत ही डिटेल में बताया। और ये सब स्टोरी बताने का मकसद आपको ये था कि आप लोग थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। अगर आप क्रिप्टो करेंसी आप बाय कर रहे हैं या इस पे काम कर रहे हैं तो किस तरह से करना चाहिए, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस तरह से। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।